हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब सही होंगे। मैं फिर से आ गई और एक व्लॉग के साथ, एंड आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे आज का ये व्लॉग। आज मैं मॉर्निंग से उठ गई हूँ और आप लोग के लिए व्लॉग फिल्म कर रही हूँ। हॉलीडे सीज़न चल रहा है, बहुत सारे पार्टी पॉटलॉग्स तो आप लोग का भी चल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और बस 2 दिन बाकी है, नया साल आ जाएगा। तो ये जो व्लॉग है ये 26th का है, संडे था। तो हम लोग का क्रिसमस पॉटलॉग टाइप एक हम लोग के फ्रेंड्स के साथ प्लान हुआ था। तो मैं अभी खाना बनाऊंगी पॉटलॉग के लिए और आप लोगों के शेयर करूंगी मैं क्या बना रही हूँ। पॉटलॉग और गेट टुगेदर जो होता है, मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ। मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलना होता है, आजकल सब कोई बिजी रहता है बच्चों के साथ और ऑफिस भी चलता रहता है सबका। तो लाइक 2 मंथ्स ऐसे, 3 मंथ्स में ऐसे हम लोग एक पॉटलॉग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग का गेट टुगेदर इतना नहीं हो पाता क्योंकि सब कोई बिजी है, जैसे मैं बोली। तो अकॉर्डिंग टू प्लान मेरा सोची थी कि मैं केक बनाऊंगी और एक चिकन का स्टार्टर बनाऊंगी। बट केक जो है मैं बहुत दिन के बाद बनाई, ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 1 ईयर हो गया होगा। तो पता नहीं मेरा कुछ गड़बड़ हो गया, जो मैं इन्ग्रीडियंट्स था तो मेरा अच्छा नहीं बना। तो मैं इसको स्किप कर दे रही हूँ, आप लोग के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ। और उसके साथ मेरे हस्बैंड को मन किया कि बनाएंगे श्रिंप का बिरयानी, तो वो मैरिनेट करके रखे थे। इसका रेसिपी मैं लिंक में दे दूँगी, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। रात को ही मैरिनेट हो गया था। ज़्यादा आप मैरिनेट करके रखेंगे तो उतना ही फ्लेवरफुल रहता है। जो भी आप लाइक चिकन बना रहे हैं या तो फिर श्रिम्प बनाए, जो भी आपको मन कर रहा है, तो उसको मैरिनेट करके हम लोग रख लिए थे। एंड उसके साथ ही मैं राइस को बॉईल की हूँ 7 मिनट्स तक, और फिर उसको हम लोग एक साथ डायरेक्टली मैं ऐसे ऐड करूँगी 2 लेयर करके, फ्राइड ऑनियन और बिरयानी मसाला, धनिया पत्ता, वो सब दे के। एंड ऊपर से मैं थोड़ा सा चिली ऐड कर रही हूँ, ये बहुत स्पाइसी नहीं है, जस्ट फॉर लाइक ऐसे ही फ्लेवर के लिए। एंड उसके बाद हम लोग ऐसे इसको ढकेंगे एंड अनादर हम लोग कुक करेंगे 30 to 40 मिनट्स तक, बहुत स्लो में। तो ये बहुत अच्छा बनता है एंड इट्स नाइस पॉटलॉग रेसिपी। अगर आप कुछ भी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो मेरा बिरयानी बन रहा है, तो उसके साथ मैं क्या कर रही हूँ, रायता बना रही हूँ, सिंपल सा रायता, क्यूकुम्बर और ऑनियन, दही वाला, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं है ये। और ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है ये बिरयानी के साथ खाने के लिए। और मैं किचन में बहुत ज़्यादा आजकल मैं खड़ी होके मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्पेशली जो पैर में। तो मैं बैठ के ट्राई करती हूँ, कुछ कुछ करती रहूँ। और ये मैं दही ऐड करूंगी और मेरा रायता बन जाएगा अभी। मुझे बहुत मन था कि मैं अच्छा सा एक केक बनाऊं। मैं सोची थी लेयरिंग करके बनाऊंगी, मैं इवन व्हिप्ड क्रीम भी उसका जो क्रीम मैं बनाई थी, बट पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ, मुझे समझ में नहीं आया, बट अच्छा नहीं बना। तो मैं ऐसे ही रहने दी, नेक्स्ट टाइम कभी और एक बार ट्राई करूंगी, न्यू ईयर आ रहा है। तो उसके साथ ही मेरे हस्बैंड, जैसे मैं बोली चिकन स्टार्टर का प्लानिंग था, तो मेरे हस्बैंड मैरिनेट करके रख दिए थे। ये बोनलेस चिकन है, उसमें सोया सॉस और जिंजर गार्लिक पेस्ट और ब्लैक पेपर देके मैरिनेट होके रखा था। ऊपर से हम लोग ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड किए थे ऊपर से, हल्का सा हम लोग ऑल पर्पज़ फ्लावर एंड जो कॉर्न स्टार्च होता है, हल्का सा ऑयल, नमक, वो सब ऐड करके हम लोग इसको मिक्स कर देंगे।
ये हम लोग बना रहे हैं डायनामाइट चिकन। बहुत ही अच्छा लगा था उसका जो फ्लेवर था। उसके साथ मैं थोड़ा सा लेट्यूस ले रही हूँ क्योंकि ये लेट्यूस के साथ खाया जाता है तो अच्छा लगता है। और रात भर मैरिनेट हुआ था चिकन तो बहुत ही अच्छा हुआ था। तो अभी इसको मैं क्लीन करके रख दे रही हूँ एक साइड में एंड फिर हम लोग चिकन फ्राई करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चिकन को फ्राई कर देंगे। ऑलमोस्ट 50% डन है फ्राइंग में। और ऐसे ही आप पकौड़े के हिसाब से खा सकते हैं। तो यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है, तब तक हम लोग क्या करेंगे उसका बना लेंगे उसका जो सॉस है। तो मेयोनीज जाएगा उसके साथ, टमाटो केचप जाएगा उसके साथ, कुछ रेड चिली सॉस और ऊपर से हम लोग ब्लैक पेपर ऐड करेंगे एंड फिर क्या करेंगे उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी इसको मिक्स कर लेंगे। और मेरे फ्रेंड्स के यहाँ पे पॉटलॉक था तो हम लोग सोचे कि इसको लेके ऐसे ही चले जाते हैं, वहाँ पे मिक्स करेंगे, नहीं तो सौगी हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा खाने के लिए। और किचन क्लीनिंग हो गया, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा मुझे हेल्प किए चिकन फ्राई करने के लिए क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है। एंड फिर हम लोग इधर पहुँच गए और जैसे कि मैं बोली वहाँ पर जाके हम लोग चिकन को मिक्स किए, वो सॉस जो बनाए थे हम लोग, और ऐसे लेट्यूस के साथ ऊपर से स्प्रिंग ऑनियन दे के हम लोग सर्व करेंगे इसको। तो ये था हम लोग का पॉटलॉक का आज का मेन्यू। श्रिम बिरयानी है, उसके साथ हम लोग जो डायनामाइट चिकन बनाए और मेरी एक फ्रेंड ने बनाया था, नॉर्मल राइस है, पनीर करी है, बड़ा है, खीर है और फिर नॉर्मल एक दाल है, उसके साथ मंचूरियन था और एक तवा फ्राई वेजी था जो कि बहुत ही यमी बना था, चिकन घी रोस्ट था, नूडल्स था, उसके साथ हम लोग रोटी भी लेके आए थे। तो ये था हम लोग का टोटल आज का मेन्यू और बहुत ही अच्छा लगा था सब कुछ। ये था आज हम लोग का क्रिसमस पार्टी व्लॉग। उसके बाद हम लोग कुछ गेम खेले। पहले तो हम लोग पोकर, सिक्वेंस एंड उनो ये सब खेलते थे। ये एक नया गेम है, टिकट टू राइड, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग ट्राई कीजिएगा अगर आपका कुछ पार्टी फंक्शन हो रहा है तो। और आप लोग कौन सा खेल रहे हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहीं पे एंड करती हूँ आज का ये छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। फिर मिलते हैं नए ईयर में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तो आप लोग को विश करना चाहती हूँ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए एंड चलिए मिलते हैं और एक ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।